हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 6 जनवरी, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो इज विच इंडियन स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो ज़्यादा फोकस करने वाला दिस ईयर, यानी कि 2020। ये आपको बताने की कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया जी डिसाइड किया। द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। ओके, तेलंगाना ने डिसाइड किया कि 2020 को वो एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड साथ साथ टेक कंपनीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करेगा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वो अच्छा कर पाए। ओके, तो स्टेट इज तेलंगाना। अबाउट दिस स्टेट बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल इज हैदराबाद एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था वो डेट आप जरूर याद रखिएगा, 2 जून 2014। ओके, तो वो आप याद रखें, 2 जून 2014 फाउंडेशन डे ऑफ तेलंगाना। एंड द सीएम ऑफ तेलंगाना इज एंड फर्स्ट सीएम है जी के चंद्रशेखर रॉय एंड द गवर्नर हैं जी तमिल साई साउंडर रंजन। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको याद रखनी है 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेलंगाना। ओके, सेकेंड करते हैं, हमारे सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 5 साइंटिस्ट लैब्स। ओके, फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इस फील्ड में अच्छा से अच्छा काम किया जाए। इन 5 डिफरेंट सिटीज़ में 5 साइंटिस्ट लैब का उद्घाटन किया जी, या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नाउ यू हैव टू आंसर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन नंबर बी DRDO। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 1 जनवरी को ही अपना एस्टैब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया है। DRDO की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जी 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में एंड इसके जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। ओके, 5 सिटीज़ कौन कौन सी होंगी जहां ये 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स ओपन होंगी? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। ओके, तो ये सिटीज़ में मैंने यहाँ लिखी है, ऑर्गेनाइजेशन इज DRDO। ओके, तो एक चीज़ यहाँ छोटे एक मिनट आप सबका जरूर लूँगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं, देन श्योरली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप एंड इसको शेयर कीजिए। एंड एक हमारा एक छोटा सा टारगेट है, बिफोर 1 फरवरी 2020 वी हैव टू रीच 100K सब्सक्राइबर्स। ओके, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन श्योरली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इसको शेयर भी कीजिए। इतना छोटा सा काम आपको हमारे लिए जरूर करना है। देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स इन दिस PDF आपको मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स सेक्शन को बूस्ट करने के लिए। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इसका अमाउंट रहेगा जी ओनली 69 रुपीज़। ओके, तो जरूर परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920। ओके, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है जी? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? ये होता है जी 31 मार्च को। ओके, तो 1920 का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये रिपोर्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको बताने की सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री ने किया था? कंट्री इज ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। ओके, सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया एंड कितना किया जी? $8 बिलियन। ओके, $8 बिलियन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया जी हमारी कंट्री में सिंगापुर का बाहर से। ओके, फॉलोड बाय मॉरिशियस $6.36 बिलियन। तो ये याद रखिएगा, सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है जी US डॉलर, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन द 4 पर्सनल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रशिया फॉर द गगनयान मिशन दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन 2022। ओके, 2022 में जो एस्ट्रोनॉट्स को हमारा 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का जो हमारा मिशन है स्पेस में, सो ये आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो 4 जो सिलेक्ट किए गए ट्रेनिंग के लिए, जिनको रशिया में ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, तो 4 जो हमारे कहाँ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट किए गए? तो ऑर्गेनाइजेशन इज आवर इंडियन एयर फोर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए रशिया भेजा गया। ओके, तो फॉर द गगनयान मिशन। ओके, गगनयान मिशन पे करने वाला हमारा इंडिया बन जाएगा 4th कंट्री अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, तो याद रखिए कि इंडियन एयर फोर्स, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयर फोर्स के बारे में बेसिक डिटेल सबको पता है। इंडियन एयर फोर्स डे कौन सी डेट को होता है जी? बिल्कुल सबको याद, 8 अक्टूबर इंडियन एयर फोर्स के जो हमारे हैं एडमिरल RKS भडूरिया जो चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के, RKS भडूरिया, वो आप जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं,
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जी आपका 2020 तेलंगाना का, तो याद रखना ही रखना आपने। एंड WHO ने 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, पूरी डिटेल पढ़ेंगे इन द ऑनर ऑफ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, जो थी हमारी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, तो उनके दो यानी 200th बर्थ एनिवर्सरी है, उनको सम्मानित करने के लिए WHO ने डिक्लेयर किया एज द ईयर ऑफ 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, दिस ईयर WHO इज टू फोकस ऑन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन ऑर्डर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट दैट इज टू बी लॉन्च इन 2020। द रिपोर्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। द ईयर इज बींग डेडिकेटेड टू मिडवाइफरी एंड वेल एज WHO इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मिडवाइफरी कंपेन। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो 2020 का ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ये आप जरूर याद रखेंगे, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड इसके जो डायरेक्टर हैं तेड्रोस अदहनॉम, इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एन इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर स्टैटिस्टिशियन एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ओके, तो ये पिक्चर भी आपके सामने लगी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभिनव कुमार गेट एक्सटेंशन एज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स IG। ओके, तो इनको एक्सटेंशन दे दिया गया एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ BSF, एक साल का अप्रॉक्स, नॉट एक साल का, 27 जून तक इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी कि एक साल से भी ज़्यादा का। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द एक्सटेंडिंग द डिप्यूटेशन टेन्योर ऑफ IPS अभिनव कुमार, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अप टू 27 जून 2021 तक इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। तो याद रखेंगे अभिनव कुमार का नाम। एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, BSF का एस्टैब्लिशमेंट डे दिसंबर में हमने ऑब्जर्व किया था, याद है ना, 1 दिसंबर को। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VK जोरी का नाम तो आप कभी भूलना नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VK जोरी का नाम जरूर याद रखिए, अभिनव कुमार का भी नाम याद रख लो, एक साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। देन उसके बाद इंडियाज मालावात पूर्णा स्केल्स अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक। ओके, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक इन्होंने स्केल कर दिया मालावात पूर्णा, इनकी ये पिक्चर यहाँ आई होप आपको दिख रही है। एंड इसके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इंडियन माउंटेनियर मालावात पूर्णा द यंगेस्ट गर्ल टू हैव क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। 5 साल पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, नाउ एक और इन्होंने लाइक अपने सर एक ताज और ले लिया, एक और इतिहास इन्होंने रच दिया बाय कॉन्करिंग माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसकी जो हाइट है वो है जी 4,987 मीटर्स। ओके, विद दिस द 18-year-old बिकेम द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन इन द वर्ल्ड टू सेट फुट ऑन 6th tallest माउंटेन पीक्स जो अक्रॉस 6 continents। शी हैज़ ऑलरेडी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 2014 में, देन उसके बाद माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, देन उसके बाद माउंट एल्ब्रस यूरोप, माउंट एकोनगा, देन उसके बाद माउंट कार्टसनेज, एंड उसके बाद नाउ विंसन मैसिव को करके इन्होंने एक इतिहास बना दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जी मालावात पूर्णा, इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा। ओके, तो ये इनकी पिक्चर भी है आपके सामने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC ओपन फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन गुजरात। ओके, फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिसको ओपन किया गुजरात में, ठीक है। तो पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे, ओपन फर्स्ट पटोला, ठीक है, पटोला सारी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एंड सुरेंद्र नगर इन गुजरात। ओके, द एम ऑफ दिस प्लांट इज टू मेक सिल्क रेडली अवेलेबल टू पटोला साड़ी मैन्युफैक्चर टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन। ओके, पटोला इज एक्चुअली ए ट्रेडमार्क ऑफ द साड़ी ऑफ गुजरात। ओके, तो याद रखेंगे ये आप, फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो ओपन हुआ वो है जी गुजरात में। ओके, पटोला इज द ट्रेडमार्क ऑफ साड़ी का एक ट्रेडमार्क जो गुजरात में जाना जाता है। ओके, अबाउट दिस स्टेट, स्टेट के बारे में बेसिक डिटेल्स, विजय रूपानी इज द CM, गवर्नर इज आचार्य देवव्रत एंड कैपिटल इज गांधीनगर। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आपके लिए, नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्राइड डे इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो ये क्यूज़ का क्वेश्चन आप सबके लिए, यू हैव टू आंसर कि कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, किसकी याद में किया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड हाल ही में एक लेट एक बुक थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उसका भी ब्राइल वर्जन अभी लाइक उसको लॉन्च किया गया था, तो वो बताना बुक का नाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के अभी कुछ ही एक दो ही हुए, जितने भी हुए अभी तक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके,
सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. वीडियो अच्छा ज़रूर लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, इसको शेयर कीजिए. एंड एक छोटी सी और चीज़, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको प्रीवियस डे की PDF मिल जाते हैं काफ़ी इजीली. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, वेल लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा बिकॉज लिंक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. यू हैव टू सर्च नेक्स्ट एग्जाम IQ. ओके, नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा. ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर्स के PDF काफ़ी ईजिली वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे.